हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसी एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन मानिए, एक बार बनाओगे तो आप बार बार बना के खाओगे। आपके घर में बड़े बच्चे सब जिद करेंगे कि ये रेसिपी फिर से बनाया जाए। देखिए, जितना देखने में टेस्टी लग रहा है उतना ही खाने में टेस्टी है ये। तो चलिए, इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है देखते हैं। तो ये हमने 3 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, जीरा पाउडर, काली मिर्च जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नीम, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, तेज़पत्ता 2, और ये टमाटो केचप, 2 मैगी लिया हमने, ये 5 अंडे लिए हैं, ये हमने झींगा फिश लिया है, इसे मैंने साफ करके धो लिया है। सभी मसालों की मात्रा 1-1 चम्मच है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम 5 अंडों को उबाल लेंगे। अंडों में उबाल आ चुका है, इसको बढ़िया से उबालना है। अंडे उबल चुके हैं तो मैं अंडों को एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब हम गैस में एक पैन रखेंगे और उसमें थोड़ा सा हम बटर डालेंगे, 1 चम्मच के करीब। बटर को हम मेल्ट होने देंगे, फिर इसको पैन में हम फैला लेंगे। देखिए, पैन में फैला लेंगे और जो हमने झींगा फिश साफ करके रखा था ना, उसको इसमें डाल देंगे। देखिए, ये हमारा 500 ग्राम झींगा फिश था, साफ करके इतना निकला है। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे हम, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, इसे हल्का ही फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। हम हल्का सा नमक छिड़क देंगे इसमें। देखिए, बात करते करते हमारे झींगा फिश फ्राई हो गया। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब हम बर्तन में जो हमने 2 मैगी ली थी ना, उसको उबाल लेंगे। दोनों मैगी को हम डाल देंगे और मैगी में सिर्फ हम मैगी मसाला ही डालेंगे और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ हमें मैगी मसाला डालना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि हमें मैगी सूखी बनानी है, गीली नहीं बनानी है। तो मैगी में उबाल आ चुका है, तो मैगी हमारा हो गया रेडी। अब मैं गैस में पैन चढ़ाऊँगी, उसमें बटर डालूँगी। बटर की मात्रा हम ज़्यादा ही रखेंगे। बटर को हम मेल्ट होने देंगे, अच्छी तरह से गर्म हो जाए बटर। देखिए, बटर पिघलने लग गया है। ये देखिए, पूरी तरीके से ये मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा। ये हमें मीडियम फ्लेम में ही करना, वरना हमारा बटर जल सकता है। जीरा भी हमने प्याज काट के रखे थे, तो प्याज डाल दूँगी। तो प्याज को हमें हल्का सा पिंक होने तक फ्राई करना है। तो प्याज ने कलर चेंज कर लिया, तब इसमें मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको तब तक फ्राई करना तब तक इसकी महक ना चला जाए। जो मैंने मसाले निकाल के रखे थे ना, वो मसाले भी सारे ऐड कर दूंगी। सबको तेल छोड़ने तक हम फ्राई कर लेंगे। अब जो मैंने टमाटो केचप लिया था ना, उसको भी डाल दूंगी इसमें। सभी मसालों को हम सही से भून लेंगे। यहीं पे मैं नींबू डाल दूंगी इसमें। ये बीज गिर गया, बीज को हम निकाल लेंगे। तो बीज को मैंने निकाल लिया है। ये मसाले फ्राई हो गए हैं, मसालों ने तेल बढ़िया से छोड़ दिया है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। अब जो मैंने झींगा फिश फ्राई करके रखा था, वो ऐड कर दूंगी इसी में। मसालों में हम इसे थोड़ा भूनेंगे, ताकि मसालों का स्वाद चला जाए इसके अंदर। हमें इसे भूनने में 2 मिनट का समय लग सकता है। देखिए, हमारा भून चुका है ये। अब इसमें पानी ऐड करूंगी मैं 1/2 गिलास। पाँच मिनट तक हम इसे ढककर पकने देंगे धीमी आंच में।
गैस का फ्लेम मीडियम ही रहे। तो हमारा 5 मिनट हो चुका, अब हम चेक करेंगे। देखिए हमारा हो गया ये रेडी, तो हम गैस को कर देंगे ऑफ। तो अब इसे हम खाने के लिए सर्व करेंगे। जो हमने अंडे उबाल के रखे थे, तो उन अंडों को हमने छील के 2 भाग में काट लिया है। तो एक हम प्लेट लेंगे, प्लेट में हम अंडों को चारों तरफ से रख देंगे। देखिए इसी तरह से सभी को रखना है। अब जो मैंने मैगी उबाल के रखा था, वो मैगी को मैं बीच में डाल दूंगी। तो सभी मैगी को हम बीच में रख देंगे। अब हमने जो झींगा फिश रेडी करके रखा था वो डाल देंगे। ग्रेवी के साथ डालेंगे इसको, पूरे में चारों तरफ में बढ़िया से फैला के डालना है अंडों मैगी में, ताकि इसका फ्लेवर मैगी और अंडों में चला जाए। यकीन मानिए खाने बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ये देखिए, देखते मुँह में पानी आ गया। तो मैं एक चम्मच ट्राई करके देखती हूँ, टेस्ट करके बताती हूँ आपको। बहुत ही टेस्टी है। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू।